अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी तरह खुश व खुर्रम रखे। दिस इज़ योर होस्ट फरियाल एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। आज मैं अम्मी के साथ आई हुई हूँ रेशम गली, क्योंकि शादी ऑब्वियसली सर पर आ गई है, उससे पहले फ़ाइनल एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी मैंने करनी है, शॉपिंग की तैयारी अम्मी ने करनी है। तो मैं यहाँ आई हूँ अपने पर्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए और फाइज़ा वगैरह के मायो मेहंदी के ड्रेसेस के लिए। ये जो शॉप है यहाँ अम्मी ने इतनी देर लगाई थी, अम्मी ने इसकी पूरी शॉप खुलवा दी, अम्मी ने इसके एक एक शॉपर खुलवा दिया, एक एक कपड़ा निकलवा लिया, क्योंकि अम्मी को कपड़ा पूरा एक डिज़ाइन बनाने में बहुत बहुत देर लग जाती है। मैसूरी का कोई दुपट्टा कपड़ा होता है, उस पर जो है फाइनल आके अम्मी ने इनके शरारे सेलेक्ट किए। अम्मी को इनके मायो मेहंदी पे शरारा, चोली और दुपट्टा लेना था। अब तीनों को कंट्रास्ट भी करना है, एक कलर में भी नहीं। और भाई अल्लाह अल्लाह, अम्मी की शॉपिंग बहुत लंबी होती है। बेचारे इसकी भी हालत बुरी हो गई थी, ये जो लड़का है इसने अभी अभी शॉप खोली थी और इसकी पहली कस्टमर अम्मी थी, तो कह रहा है अल्लाह माफ़ करे सुबह सुबह ऐसे कस्टमर आ जाते हैं, तो भाई फिर पूरा दिन बड़ा टफ गुजरता है। और ये अम्मी कह रही है हाँ तो उस कपड़े बनाने में, डिज़ाइन बनाने में टाइम तो लगेगा ना, कह रहा है आप लोग तो फिर भी सही हैं, लोग तो ऐसे भी आते हैं जो वीडियो कॉल लगा के बैठ जाते हैं घर पे, के वो लोग घर से देख देख के बताएंगे, इस तरह के लोग भी आते हैं। तो वो वाली शॉप से हमने ले लिए थे फायज़ और फरिया के ड्रेसेस, और ये वाला ड्रेस जो है ना रेड ट्राउज़र और ये धानी कलर की शर्ट और इसका ये ग्रीन कलर का जो दुपट्टा था ये अरीबा के ले लिया है मेरी मायो मेहंदी के लिए, क्योंकि अरीबा को शरारे घरारे नहीं पसंद, कमीज शलवार या फ्लैपर या फ्रॉक ऐसी चीज़ें पहन लेगी वो, लेकिन वो भी सिंपल ना हो, वो भी कहती है कि वो चीज़ें भी भरी हुई हो। और एक्चुअली इसकी आजकल तो नहीं खैर बहुत शुरू से एक सिंदन दोस्त है इसकी, तो बस इसको भरे हुए कपड़े पहनने, जैसे जैसे वो पहनेंगे ना वैसे वैसे इसको पहनने। मैंने तो बस हर शॉप में ये, हाँ अच्छा ग्रीन वाला नहीं था, यही धानी कलर का दुपट्टा, हाँ ये वाला लिया था इसके साथ, सही। तो मैंने तो हर शॉप में जाके सिर्फ वीडियोज़ बनाएंगे, मैं और क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो शॉपिंग ऐसी आती है कि बस शॉप में जाओ जो चीज़ अच्छी लगी ले लूँ, नहीं अम्मी तो एक एक निकलवाती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलवाती हैं चीज़ें इन लोगों की, के सामने होती भी नहीं है। अब ये है चूड़ियों की शॉप, यहाँ से मुझे मेरे जहेज के जो कपड़े हैं उनके साथ की चूड़ियाँ लेनी थी, और इन दोनों में से ये छोटा वाला जो बॉक्स है ये मैंने लिया है, ये भी जहेज में जाएगा। और जहेज की शॉपिंग भाई बहुत मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल होती है, एक बार में तो होती ही नहीं है, 10 चक्कर तो अभी तक हम लोगों के बाज़ार के लग गए होंगे, लेकिन अभी भी इतना कुछ रहता है, जब तक शादी आ नहीं जाएगी ना तब तक कुछ ना कुछ रहता ही होगा। यहाँ से मैंने ब्राइडल के 2 सेट बनवाए थे, ऑब्वियसली रुखसती वाले दिन के, और एक ड्रेस था हाँ ग्रीन ब्लैक सेट बनवाया था चूड़ियों का, और एक कोर था पर्पल और सी ग्रीन वाला, मैं यहाँ पर्पल और सी ग्रीन वाला हाँ उसके यहाँ पे बनवाए थे 2 सेट। और ब्राइडल सेट के साथ जो लटकन भी होते हैं ना, एक जो बड़े बड़े थे ना वो मैंने निकाह पे पहन लिए थे, तो अब मैं मुझे इस बार नहीं पहनने थे वो। ये कड़े कितने खूबसूरत लग रहे हैं मुझे अब लग रहे हैं वीडियो में देख के ये हाँ ये मैंने ब्राइडल सेट बनवाया हुआ है मैरून के साथ, और बाकी ये ड्रेसेस के बनाए हुए हैं, और यही बॉक्स है, इसके अंदर ही हमने सेट करवा दी कि इसको ऐसे कैसे ही पैक कर देंगे और ये ऐसे कैसे ही चला जाएगा, दैट्स ऑल। ये यहाँ पे चूड़ी वाले अंकल ने पूछा अभी था कि ये कितने दिन बाद जो है आप यूज़ करेंगे, तो हमने बता दिया था कि अभी 1 महीना है, मतलब ये नवंबर को हटा के दिसंबर भी है अभी पूरा, तो फिर उन्होंने उस तरह से ही जो है ना पैकिंग करके दी, उसी तरह से सारी चीज़ें कवर करके दी, क्योंकि ऑब्वियसली कांच है, हल्का सा भी दर्द से टच होगा तो टूट जाता है, इसलिए उन्होंने उसी तरह से पैकिंग की कि जितना टाइम है उस लिहाज से, और फिर इसको ये पूरा बॉक्स में सारी चूड़ियाँ रख के ये देखें ये लटकन थे, मैंने इस तरह के निकाह में पहन लिए थे, जो मैंने सेट बनवाया था ना उसके साथ ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, तो ये मैंने नहीं लिया, वो जो सेट मैंने बनवाया ना उसके साथ बहुत छोटे से हैं, मतलब कड़ा है और कड़ा के अंदर बहुत छोटे से हैं, वो बहुत डिसेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उस सेट के साथ, तो फिर मैंने वो ही लिए, ये बड़े बड़े नहीं लिए मैं यहाँ।
उसके बाद ये वाली शॉप पे ऑब्वियसली देर भी लग गई थी क्योंकि सेट बनवाने थे। डायरेक्ट ये जो दिखाते हैं मैंने बनाए जो सेट रखे हुए हैं वो हमारे या तो ड्रेस कलर से मैच नहीं कर रहे थे या फिर वो हमारी पसंद से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर बड़ा टाइम लगा हमें सेट बनवाने में और फाइनली ये पूरा बॉक्स एट द एंड रेडी हो गया। और ये जो बैंगल स्टैंड है ये मुझे अच्छा लगा था लेकिन ये इनके पास था नहीं, वरना ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये कह रहे हैं ये बस हमने डिस्प्ले के लिए मंगवाया है, पंजाब से आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से आते हैं और कस्टमर यहाँ पे ये वाला लेते नहीं हैं तो इसलिए। तो फिर चूड़ियाँ लेने के बाद उन लोगों के कपड़े जो लिए थे फायजा वालों के हमने वो लेके हम लोग आए हैं रेशम गली के अंदर ही, ऊपर जाके एक गोश्त मार्केट कहलाती है। वो किसी ज़माने में गोश्त मार्केट थे पुराने वक्तों में, लेकिन अब वहाँ पे सारे दर्जी बैठते हैं और कपड़े वाले होते हैं, तो वहाँ पर अब मम्मी अपने टेलर को इन लोगों के कपड़े हाथ के हाथ देने आई हैं। और ये इतने मज़े से सिलाई कर रहा था, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली इसकी मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक है ये मशीन, हाँ ये पैरों से बस चल रहे थे और सीधी सिलाई चलते जा रहे हैं। मर्द हजरात हर काम में आ गए, दर्जी हो या शेफ हो, हर चीज़ में आ गए। और ये सारे कपड़े जो इस तरह के लगे हुए थे ना इस टेलर की शॉप पे, ऐसे कपड़े तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये जो भी आपने छोटा सा गोल्डन कलर का नगों वाला आपने पर्स देखा अम्मी के हाथ में, ये मैंने लिया है रुखसती के लिए, रुखसती के साथ शरारे के साथ ऑब्वियसली। बाकी एक और बैग लिया था यहाँ से और वो भी बस अम्मी को पसंद आ रहा था, बाकी मुझे यहाँ पर एक भी पसंद नहीं आया, कोई भी ऐसा पर्स या बैग नहीं था जो कि मुझे अच्छा लग रहा हो देखते ही पसंद आ जाए, ऐसा एक भी आइटम या फिर ऐसा एक भी पीस नहीं था यहाँ में। बाकी ये ब्राइडल पर्स लगे हुए थे यहाँ पे, वॉलेट क्लचेस ब्ला 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 सारे, और ये कैजुअल यूज़ के पर्स। लेने के बाद जब हम वापस घर जा रहे थे तो मम्मी को ये शॉप नज़र आ गई और जो मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी यहाँ किचन पोर्शन की, किचन डिपार्टमेंट की, तो मम्मी ने वो यहाँ से ली। ये जो था स्पाइसेस रखने के लिए ये तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं मम्मी वापस दे दे ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने खोल के भी दिखाया, देखो अच्छा है ये वो, लेकिन नहीं अच्छा नहीं लगा ये मुझे, तो ये रिटर्न करवा दिया। बाकी अम्मी ने यहाँ से क्या लिया था, हाँ यहाँ से अम्मी ने स्पून लिए थे बड़े बड़े, एक बिरयानी बनाने का, एक सालन का, एक चाय का और एक राइस, सिंपल राइस बनाने का। हाँ इस तरह के जो सामने बॉक्सेस रखे हुए थे ना, मुझे इस तरह के बॉक्सेस अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहाँ से ये वाला जो इन्होंने दिखाया था ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अम्मी ने कहा फिर ये कहीं और से ले लेंगे, मैंने कहा ठीक है ठीक है। और अम्मी ने यहाँ से लिया था ये क्या कहते हैं चकला बेलन, जिसको कहते हैं जिस पर रोटी बेलते हैं, मार्बल का ये था चकला और लकड़ी का बेलन और आटा गूंदने के लिए एक तशला। ये सारी किचन की चीज़ें हैं जो कि अभी रहती हैं, अभी इसके अलावा भी रहती हैं, इतनी शॉपिंग करनी पड़ती है शादी की, फिर भी रहता है कुछ ना कुछ रहता ही है। और जी यहाँ पे हो गई है आज की, मतलब जो भी शॉपिंग करनी थी वो सारी यहाँ पर पूरी हो गई है। जो कपड़े लिए थे उनको वापस हमने टेलर को वहीं के वहीं दे दिया और उसके अलावा पर्स, चूड़ियाँ, बर्तन और नहीं और कुछ नहीं। मेकअप के लिए गए थे लेकिन वो यहाँ समझ नहीं आ रहा था, वो हम लेंगे शाही बाज़ार से। ये बाकी जो चीज़ें थी ना बस वो ले ली और आज की शॉपिंग यहीं पर अख्ताम को पहुँची रेशम गली की। बाकी शरारा भी शादी का मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, निकाह के टाइम अच्छा नहीं लगा था तो इस बार क्यों लगेगा। यहाँ पर मैं वापस घर जा रही हूँ और मैं यहाँ पर आपको रास्ते में हैदराबाद में जो पुरानी इमारतें हैं, जो हिंदुस्तान जब ये था, जब पाकिस्तान नहीं था, तब की जो इमारतें हैं ना जो कि देखने का मुझे हद से ज़्यादा शौक़ है, वो इमारतें जो है मैंने अपने कैमरे में कैप्चर भी की हैं, अपने कैमरे में सेव कर ली हैं। ये हैदर चौक कहलाती है जहाँ पर दुआ के दो हाथ बने हुए हैं हैदराबाद में। तो ये है वो इमारतें जिनको मैं बस देखती रह जाती हूँ, और ढूंढती हूँ कि ये कब बनी थी, इनका ईयर कहाँ है। 80s की भी है यहाँ पे, तो भाई 1826 की मैंने देखी, 1823 की मैंने देखी और ये वाली इमारत देखें ये भी उसी दौर की है। ये सारी इमारतें देखने का मुझे एज़ यूजल हमेशा शौक रहता है और उसके बराबर में ये मेरा कैंपस जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ ओल्ड कैंपस। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।